नमस्कार। आज 7 जनवरी 2021 है। सबसे पहले मैं आप सबको 9 वर्ष की शुभकामनाएं देता हूँ। जैसा आप सबको विदित है, आज मैं आपको बताऊंगा कि कोविड पूरे संसार में संक्रमित हैं, काफी लोगों की मृत्यु भी हो चुकी है। भारतवर्ष में कोविड का प्रकोप कम क्यों है, क्यों कम डेथ हुई हो रही है, सीरियसनेस कोविड की भारतवर्ष में कम है, इसके बारे में मैं आज आपको बताने की कोशिश करूंगा। जैसा आप सबको पता है कि कोविड दिसंबर 19 में वुहान, चाइना के वुहान सिटी से शुरू होकर लगभग लगभग संसार के हर देश में फैल चुका है। अगर आज हम बात कर रहे हैं तो लगभग 8.5 करोड़ लोग पूरे संसार में कोविड से संक्रमित हो चुके हैं। अगर इसको 8.5 हजार को अगर हम कन्वर्ट करें, 8.5 करोड़ को कन्वर्ट करें, तो लगभग 10,900 लोग हर 10 लाख पर संक्रमित हैं। अगर ये फिगर हम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का देखें तो लगभग 2 करोड़ के आसपास लोग कोविड से संक्रमित हो चुके हैं, और जो 10 लाख पर लगभग 62 हजार, हर 10 लाख पर लगभग 62 हजार लोग संक्रमित हुए। अगर ये हम भारतवर्ष का देखें तो भारतवर्ष में अभी तक लगभग 1 करोड़ लोग कोविड से संक्रमित हो चुके हैं, और ये अगर इसको हम कैलकुलेट करें तो लगभग 7,500 प्रति 10 लाख आता है। तो भारतवर्ष में आप देखें, अमेरिका से कंपेयर करें तो बहुत कम है। इसी तरह जब हम मृत्यु की बात करते हैं तो मृत्यु भी देखिए, लगभग पूरे संसार में देखें तो लगभग 18.5 लाख लोग कोविड से मृत्यु हो चुकी है, और ये लगभग आता है 10 लाख पर 236 का फिगर आता है। अगर हम अमेरिका में देखें तो लगभग 3,58,000 लोग से मृत्यु हो चुकी है, जो अगर प्रति 10 लाख देखें तो लगभग 1,080 के आसपास आता है। और अगर भारतवर्ष में देखें, भारतवर्ष में भी डेथ लगभग 1.5 लाख लोगों की हो चुकी है, और जो अगर 10 लाख पे इसको कैलकुलेट करते हैं तो वो 108। तो आप जो देख रहे हैं कि डेथ रेट और जो संक्रमित होने का दर है वो ऑन एवरेज विश्व से भी कम है और अमेरिका से तो बहुत ही कम है। और सीरियस डिजीज जो है हमारे यहाँ कम हो रही है। तो एक प्रश्न मेरे जहन में हमेशा आता है कि भारतवर्ष, हम अमेरिका जैसे तो विकसित नहीं हो सकते, नहीं हैं अभी। हमारी सुविधाएं भी, ऑल्दो भारतवर्ष ने अपनी सुविधाएं पिछले 1 साल में बहुत ही सुधार हो गया है, बहुत अच्छी सुविधाएं, लेकिन हम अमेरिका से मैच नहीं कर सकते। तो सवाल ही यहाँ डेथ और सीरियस डिजीज कोविड से कम क्यों है, इसके बारे में मैं कुछ अपनी बातें आपके सामने रखना चाहता हूँ। तो यानी भारतवर्ष का लेवल किस तरह से डिफरेंस है, क्या हमारी इम्यूनिटी फर्क है, और अगर इम्यूनिटी फर्क है तो क्यों फर्क है, उसके कुछ कारण मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे देखिए, हमारा रहन सहन अमेरिका के रहन सहन से बहुत फर्क है।
हमारी खाने को देख, फूड हैबिट्स देखिए, खाने को। हमारा जो भारतवर्ष की जो जनता है वो आम तरीके से वेजिटेरियन डाइट पर रहती है, और नॉनवेज जो लोग यहाँ खाते भी हैं तो हम अमेरिका की तरह से नॉनवेज नहीं खाते हैं। यहाँ कभी कभी हफ्ते दो हफ्ते में मेजॉरिटी लोग खा लेते हैं, एक दो दिन। तो हम बेसिकली वेजिटेरियन हैबिट वाले लोग हैं। क्या वेजिटेरियन डाइट हमारी इम्यूनिटी डिफरेंट पैदा करता है जिससे हमें कोविड से फायदा हो रहा? फिर खाने में और बहुत सी चीज़ें हैं। ये भारतवर्ष ऐसा देश है जहाँ हर रोज खाना पकाया जाता है और खाया जाता है, यानी फ्रेश फूड। और देशों में टिंड फ्रूट ज़्यादा खाया जाता है, फ्रोजन फूड ज़्यादा खाया जाता है, उसमें क्या प्रिजर्वेटिव हो सकता है? तो ये भी, और हमारे देश में अभी भी लोग घर में खाना पका हुआ ज़्यादा खाते हैं। तो हमारे खाने का हैबिट अलग है। जो खाना जिस तरह से हमारे घरों में पकाया जाता है वो भी बहुत फर्क है। मसाला जो बाहर के देशों में कम खाया जाता है, मसाले को हम लोग कभी कभी कहते हैं कि हम बहुत मसाला खाते हैं, लेकिन क्या पता उससे हमें फ़ायदा हो रहा। अभी आपने आयुष विभाग का सब कुछ सुना कि जो हम मसालों में रोज़ हल्दी, अदरक, लहसुन, प्याज, कलौंजी, जीरा इस्तेमाल करते हैं, गरीब से गरीब भी इन मसालों का इस्तेमाल करता है। क्या पता इनसे हमारी इम्यूनिटी लेवल अच्छी हो रही हो, डिफरेंट हो रही हो। दूसरी बात और है, साफ सफाई का ध्यान हमारे यहाँ उतना नहीं है जितना अमेरिका में है। हमारे जो बच्चे हैं गांव में रहने वाले हैं वो धूल धूल में रहते हैं, पानी साधारण पीते हैं। क्या ये सब चीज़ें हमारी इम्यूनिटी में चेंज बदलाव कर रहा है जिससे हमें कोविड से बचत में हमको फायदा उठा रहा? ये भी एक सोचने की बात है। फिर हम रोज़ स्नान भी करते हैं। एवरेज भारतवर्ष का इंसान रोज़ स्नान करता है, और स्नान ही नहीं करता है, स्नान के बाद जिस धर्म के भी हैं लोग अपने धर्म के हिसाब से रोज़ लोग सुबह पूजा करते हैं। क्या पता है इससे हमारी इम्यूनिटी पे फर्क डाल रहा हो। अब एक मैं स्टडी यहाँ आपको बताना चाहूँगा, मैं पढ़ रहा था अमेरिका में एक स्टडी हुई, जो लोग आईसीयू में भर्ती हुए और उनको एक ग्रुप को सारी आईसीयू का ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल दिया गया, दूसरे ग्रुप को उस प्रोटोकॉल के अलावा उनसे कहा गया आप जिस भगवान की पूजा करते हैं जो भी करते हैं यू डू प्रेयर। तो लोगों ने प्रेयर किया, तो ये पाया स्टडी में कि जो लोग प्रेयर करते हैं दवाई के साथ उनको ज़्यादा फायदा होता है। फिर आप देखिए योग, मेडिटेशन, एक्सरसाइज, ऑल दो एक्सरसाइज अमेरिका में लोग ज़्यादा करते हैं, हमारे इतना लोग नहीं, लेकिन हमारे यहाँ योग और मेडिटेशन का बहुत चलन है। कि क्या योग मेडिटेशन से हमारी इम्यूनिटी बदल रही है, उसको भी एक सोचने और देखने की बात है। हमारी फैमिली कंबाइंड फैमिली आम तरीके से है, अल्दो हम आइसोलेटेड फैमिली यूनिट फैमिली की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन अभी भी बहुत से लोग गांव में देखिए तो एक साथ रहते हैं, एक साथ। फिर हमारे सोने की आदत, हम जल्दी सोते हैं, जल्दी उठते हैं, तो ये सब चीज़ें हो सकती है जिससे हमारी इम्यूनिटी, डेफिनेटली हमारी इम्यूनिटी कुछ डिफरेंट है और जिससे हमें कोविड से बचाव हो रही है। इम्यूनिटी की जब हम बात करते हैं तो एक बात और आता है कि BCG वैक्सीन के बारे में बहुत सी धारणाएं आईं, बहुत से रिसर्चेज हुए, हमने भी एक एडिटोरियल लिखा है, क्या BCG कोविड से प्रोटेक्ट करता है। कुछ स्टडीज जो आई भी हैं वो कुछ इस तरफ इंगित भी कर रही हैं कि जिन देशों में BCG लगा हुआ है, जिन देशों में BCG हमेशा शुरू से लगा है बचपन से, उन देशों की इम्यूनिटी क्या फ़र्क है कोविड को बचाने के लिए। तो BCG भी एक फैक्टर हो सकता है, क्योंकि ये स्टडी बड़ा क्लियर बता चुके, जिन देशों में BCG नहीं लगा था उन देशों में कोविड ज़्यादा सीरियस हुआ, ज़्यादा लोग इन्फेक्ट हुए।
और खासकर भारत में ये भी एक कारण हो, BCG का टीका भी जो हमें लगा है उससे भी हमारी इम्यूनिटी चेंज हुई है, वो भी एक कारण हो सकता है। तो मेरे कहने का मतलब, हमें ये सब जो चीज़ें हैं वो रिसर्च के लिए ज़रूरी हैं। हमारी भारतीय पद्धति जो है, हमारी परंपरा जो है, उसको स्टडी करना ही चाहिए। क्या इन परंपराओं से हमारी इम्यूनिटी चेंज हुई है, चेंज हो रही है, जिससे हमें कोविड जैसे इन्फेक्शन से बचाव और सीरियसनेस उसकी कम हुई, कम लोगों की मृत्यु हुई, ये आप समझ चुके हैं। इनकी रिसर्च की ज़रूरत है और ज़रूर कोई ना कोई चीज़ है जिससे हमें कोविड से बचा रही है। आज तो कोविड बहुत कम हो गया है, लगभग हर दिन 20,000 से कम हो गए हैं भारत में। आशा करता हूँ कि अगले 2-3 महीनों में हो सकता हम कोविड से फ्री भी हो सकते हैं। लेकिन फिर भी वैक्सीन भी अभी जस्ट आ गई है, वैक्सीन भी लगना शुरू हो जाएगा, तो हमें आशा है कि अगले 2-3 महीनों में कोविड का प्रकोप बहुत कम होगा। लेकिन फिर भी वैक्सीन से लोगों को आने से ये नहीं है कि तुरंत ख़त्म हो जाएगा। आपको फिर भी जितने प्रिकॉशंस हैं, बार बार हाथ धुलना, मास्क का पहनना, सैनिटाइज करना, सोशल डिस्टेंस का पालन करना, ये शायद हमें इसके संग सीखना पड़ेगा। और मैं तो ये कहता हूँ, मास्क पहनने का कोविड के अलावा और बहुत सी बीमारियाँ हैं जिससे हमें फ़ायदा हो सकता है।